वेलकम। हेलो, आज हम बनाएंगे वेलकम। आज बिरयानी हम एट बनाएंगे होम मेड चिकन स्टाइल। बिरयानी इसके लिए इन मैंने चावल लेकर होम भिगो स्टाइल। के रख दिए हैं। इनको मैं आधे घंटे ये तक मैंने चावल ले भीगे लिए हैं रहने दूंगी और इनको मैंने भिगो कर रख दिए, कोई आधा घंटा पहले से भिगो के रख दिए हैं। और मैंने यहाँ पे अपना चिकन मैरिनेट करके रख दिया है। इसको मैंने और यहाँ मैंने नमक अपना मिर्च चिकन और मैरिनेट कर लिया हल्दी है और जिंजर गार्लिक और पेस्ट इसको किया। आप मैंने चाहें तो नमक इसमें मिर्च दही हल्दी और और नींबू जिंजर मिला सकते गार्लिक हैं, जो के मेरे पास पेस्ट नहीं मैंने था इसे अभी। मैरिनेट कर और मैंने रख एक पतीले लिया में पानी उबालने और के मैं लिए चढ़ा छोड़ दी दिया है ऐसे और छोड़ उस दूँ पानी में तकरीबन मैं बे आधे लीफ और घंटे कुछ के खड़े लिए। मसाले जैसे कि क्लोव, लौंग वगैरह डालूंगी, जिससे उसका जो टेस्ट है वो पानी में आ मैंने जाए। एक और जब मैं अपने पतीले में चावलों को पानी लिया उबालूँ है, तो वो उबालने के लिए टेस्ट मैं रख इन दिया चावलों है के अंदर जिसमें भी अपने चावल आ जाए। डालूंगी जो और मैं भिगे इसको हुए ढक हैं के रख दूंगी जिससे कि पानी जल्दी और उबल इस जाए। पानी में मैं थोड़े से टेस्ट दूसरी के लिए गैस मैं पर डालूंगी इसके मैंने अंदर कुछ कढ़ाई खड़े चढ़ाई मसाले है जिसमें मैंने थोड़ा जैसे सा कि रिफाइंड लिया है बे लीफ और मैंने यहाँ प्याज या काट के तेज बारीक पत्ता आप बारीक कह रख ली सकते है हैं। अपनी बिरयानी के लिए और पहले इसमें से मैंने ही। डाली है देखते लौंग, हैं पानी गर्म हुआ थोड़ा या सा नहीं मैंने हुआ। मिर्च डाली है अभी नहीं हुआ जिसे तो उसका जो फिर स्वाद है वो पानी के अंदर इसको रख देते हैं। आ जाए। इन चावलों को मैं निथार के मैं उसके अंदर डालूंगी, पानी नहीं डालूंगी ये वाला। मैं निथार के चावलों को पानी के अंदर डालूंगी। उसी तरह मेरे ख्याल से गैस पर पानी उबलने लगा। हाँ, गैस पर मेरा अब मैं तेल ढक भी के रख गर्म हो गया दूंगी है। इसमें जिससे कि मैंने थोड़ा इसमें उबाल जीरा, जो थोड़ी है वो काली जल्दी मिर्च आ डाली जाए। है और अब मैं दूसरी इसमें गैस अपनी पर प्याज मैंने कटी हुई कढ़ाई प्याज चढ़ाई है डालूंगी जिसमें मैंने और इसको थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक पानी इनको डाला है। थोड़ा सा हम इसको स्टिर फ्राई करेंगे जिससे ट्रांसलूसेंट हो जाए। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, गर्म होने मुझे इसे स्टिर फ्राई करना। अगर आप अपने चावलों में ज़्यादा कलर चाहते हैं तो आप इसको हल्का सा ब्राउन कलर दे सकते हैं। इन चावलों को मैंने निथार के मैं इस पानी में डाल देती हूँ और एक उबाले होने तक मैं इसको रखूँगी। मुझे एक कन्नी पर लेना है, मुझे इसको ज़्यादा नहीं उबाल के पूरा नहीं पकाना है। प्याज एक कन्नी होने तक मैंने इसको चावलों को पकाना है। दूसरी तरफ मेरी गैस पे मेरी कढ़ाई में आप देख सकते हैं कि आपका भून ही गई है और अब मैं इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूंगी और इसको थोड़ी देर मैं होने वाला चलाऊंगी जिससे कि ये थोड़ा मसाला मिक्स हो जाए। इन चावलों को मैं पानी में डालूंगी निखार के, पानी समय से ही निखार के डालूंगी। ये चावलों में उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। और इन चावलों को मैं निथार लूंगी, इसका पानी फेंकूंगी नहीं मगर मैं इसका। और मैं यहाँ मेरी चिकन भी हल्का सा हो गया है और चावलों का आप देखेंगे कि मैंने उनको निथार लिया है मगर मैंने उनका पानी फेंका नहीं है, वो मैं उसी में ही यूज करूंगी पकाने के लिए। को मैंने निकाल लिया है इस पानी में हमारा उसको मैं मिक्स नहीं कर लूँगी, पहले ऊपर मैंने उसको डाल दिया चिकन के ऊपर और इसको मैं पकने दूंगी। थोड़ा सा पानी जो मैंने चावलों को निखारा था उसी पानी को थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ कि जिससे कि चावलों में नमक बराबर रहे। अंदाजे से आप डाल सकते हैं क्योंकि चावल तो आपके पक गए हैं और मीट भी आपका हल्का सा गल गया। इसको मैं मीडियम आंच पर करके मैं इसे छोड़ दूंगी, बहुत हाई और बहुत लो फ्लेम पे नहीं, मीडियम आंच पे मैं इसको दम धरने के लिए, दम रखने के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। प्याज को मैंने अच्छी तरह से देख के थोड़ा सा और ट्रांसलूसेंट कर लिया। 5-10 मिनट के बाद हम देखते हैं इसमें अपना थोड़ी देर के बाद देखिए चिकन है तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मेरे बच्चे पूछ रहे हैं कि मम्मा क्या बनाया है और इसको हम हल्के हाथों से इसको चावलों को और जो हमारा चिकन था उसे मिक्स कर लेंगे और हमारी बिरयानी होम मेड स्टाइल तैयार है। थैंक यू।